हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। दोस्तों आज मैं आपको आलू का टिकिया जैसे गांव में बनाते हैं, आज आपको इस तरह बना के दिखाएगा आलू का टिकिया कैसा रहता है। तो वीडियो में कंटिन्यू बने रहिए दोस्तों। तो अभी हम मैं बैक कैमरे से आपका रिकॉर्डिंग करके दिखाता हूँ दोस्तों। तो वीडियो में कंटिन्यू आप बने रहिए। और पकौड़े का पूरा रेसिपी आपको बनाया है तो आपको दिखाते हैं। तो वीडियो में कंटिन्यू बने रहिए दोस्तों। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो दोस्तों। तो दोस्तों आलू मेरा बॉईल हो रहा है, तो इस तरह से बॉईल हो गया है। और आलू को इस तरह से छील लेने का, अच्छी तरह से इस तरह से छील के ये हो गया है। हरा धनिया मिर्चा और कड़ी पत्ता काट के रख लिया मैंने। और आलू को इस तरह से हाथ से दबा के एकदम बारीक कर लेते हैं। आप सामान है तो उससे आप बारीक कर सकते हैं। ये सूखा धनिया डाला और हल्दी डाला, नमक डाला इसके अंदर, और जीरा पाउडर है तो वो भी थोड़ा डाल देने का। और इस तरह से कटा हुआ बारीक हरा धनिया भी इसके अंदर डाल दिया, और बारीक कटा हुआ कड़ी पत्ता था वो भी डाल दिया, और हरी मिर्च जो काट कटिंग किया था वो भी डाल दिया। और इस तरह से सब जो था मिक्स कर दिया इसके अंदर। अब इसको क्या करने का, हाथ से इस तरह से पूरा मिक्स करने का, इस तरह से पूरा मिक्स करने का, ऐसा इसको इस तरह से अच्छे से मिक्स कर लेने का। इस तरह से पूरा मिक्स करने के बाद ही एकदम ये करने का, एकदम बारीक कर देने का दबा के, एकदम ऐसे जैसे आटा गूंथते हैं उस तरह से कर लेने का। और इस तरह से हाथ में हल्का हाथ से ऐसा गोला बना के ऐसे दबा देने का, इस तरह से ऐसा दबा देने का ऐसा। अभी इसको ऐसे राउंड करके और हाथ से ऐसे दबा के बना देने का इस तरह से। तो इस तरह से सब आलू को, जो आलू का ये बनाया आप पकौड़ा वह बनाने के लिए जा रहे, इस तरह से सबको बना के रख लिया। तो मेरा इस तरह से सब बना के हो गया है। और इसको आगे क्या करते हैं वीडियो में कंटिन्यू बने रहिए। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों सब्सक्राइब कर लेना, ऐसे आगे और वीडियो आते रहेंगे। तो इस तरह से सब बना लेने का। और उसके बाद उसको जो मैदा रहता है ना, बेसन जो उसको तैयार रखने का, तो बने रहिए। अभी इसको कैसे करते हैं इस तरह से, तो इस तरह से मेरा देखो बन के हो गया एकदम। हरा धनिया भी दिखता है, तो क्या हरा धनिया रहेगा कि ये रहेगा तो दिखने में बहुत अच्छा लगेगा और खाने में भी टेस्ट भी अच्छा लगेगा। तो इस तरह से बना के हमने रख लिया इस। तो मैंने ये बेसन लिया है, मैंने ये दुकान से मंगाया है अमेजोन से। तो मैंने ये बेसन लिया इसमें 1 कप। ये राइस का आटा हो गया, ये भी मैंने ऑनलाइन से मंगाया। इस तरह से राइस का जो आटा है, चावल का आटा है, इस तरह से इसको भी डालने, बेसन जितना डालने का उसका आधा आटा डालने का, मतलब ये राइस का आटा डालने का। तो इस तरह से मैंने डाल दिया है। और इसमें अभी सब मिक्स करते हैं क्या क्या लगेगा इसके अंदर। तो अभी मैं नमक ऐड कर दे रहा हूँ, स्वाद के अनुसार आप नमक डालिए। और ये हल्दी हो गया है, हल्दी इस तरह से डाल देने का, और हल्का सा गरम मसाला डाल देने का जो टेस्ट थोड़ा और अच्छा आएगा। एवरेस्ट का मैंने डाल दिया है, 1 पैकेट लिया उसका, हाफ उसमें से डाल दिया है। ये जीरा पाउडर हो गया हल्का, इसमें भी जीरा पाउडर डाल देने का, और हल्का गरम मसाला डाल देने का इसके अंदर, गरम मसाला भी हो गया, और हल्का काली मिर्च डाल देने का, और हरा, और इस तरह से सब मिक्स कर लेने का। और पानी आप थोड़ा ही पहले डालिए, उसके बाद मिक्स करिए, तो कम लगे तो और डालिए। और जो ये एकदम पतला नहीं करने का, हल्का इसे पकड़ना मांगता है, हल्का गाढ़ा रहना चाहिए लिक्विड की जैसा। तो इस तरह से इसको अच्छे से मिक्स कर लेने का, इस तरह से खूब हाथ से मसल देने का। तो क्या रहेगा बीच में जो एकदम ये रहेगा, तो एकदम पेस्ट के जैसा इसको बनाने का है इस तरह से।
अच्छे से इसको मिक्स कर देने का इस तरह से, और आपको कम पीला लग रहा है तो और हल्दी भी आप डाल सकते हैं, आप अपने आपको जैसा चाहिए उस हिसाब से डाल लीजिए। तो इस तरह से अच्छे से मिक्स कर लेने का, इस तरह से देखो अभी अच्छे से मिक्स हो गया है, एकदम पेस्ट हो गया है, तो एकदम पेस्ट बना लेने का अच्छी तरह से। और गाढ़ा रहना चाहिए कि उसमें पकड़ना मांगता है सब, अगर टिक्की के अंदर पकड़ना चाहिए। तो इस तरह से हो गया है, अब इसको हम बनाते हैं। अभी इसको मैंने टिक्कियों को इसमें डुबा लिया है, पहले से डिबो के रखने का इसके अंदर डाल के, और इस तरह से एक एक निकाल के और लो फ्लेम पे रखने का, एकदम ज़्यादा हाई नहीं रखने का, मीडियम फ्लेम में इस तरह को एक एक को डालते रहने का और थोड़ा पकने देने का 10 से 20 सेकंड, इसके बाद ही पलटी करने का दोस्तों। तो क्या रहेगा, थोड़ा पकड़ लेगा वो, उसके बाद आप पलटी सेकंड साइड में कर सकते हो। तो इस तरह से आप घर पे बना सकते हैं आलू का टिकिया, और दोस्तों खाने में बहुत टेस्टी लगेगा। इस तरह से इसको बनाना बहुत आसान है, और आप बनाए घर पे और पूरा फैमिली के साथ खा सकते हैं। इस तरह से देखो अभी एक ही बार सब बेसन मतलब उसके अंदर डाल दिया है, अब उसको क्या करने का, ऐसा ऐसा पलटी कर देने का दो तीन बार, तो अच्छे से क्या मिक्स हो जाएगा। और उसके बाद एक एक करके इसके अंदर डालते रहने का, इस तरह से देखो अभी मेरा जला भी नहीं है, एकदम अच्छी तरह से देखो एकदम एकदम अच्छी क्वालिटी का बन गया दोस्तों। अब जैसे होटल में मिलता है ऐसे इसके जैसा ही आपको दिखेगा, और खाने में आपको बहुत टेस्टी लगेगा दोस्तों। देखो देखो कितना अच्छा बन गया दोस्तों। तो इस तरह से आप भी घर पे बनाओ और पूरे फैमिली के साथ खाओ दोस्तों। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दो जल्दी से, और ऐसे नए नए वीडियो आते रहेंगे दोस्तों। तो आप भी इस तरह से घर पे बना सकते हैं दोस्तों, इसमें कुछ कारीगरी नहीं है और कोई ये नहीं है, बस आप बना के खा सकते हो, और इस तरह से आप पूरे फैमिली के साथ में खा सकते हो दोस्तों। और बनाने में बहुत टाइम नहीं लगेगा आपको, बस ये सामान लेके आपको रखना पड़ेगा, बस देखो फिर से वही प्रोसेस है, फिर से वही प्रोसेस है, एक एक करके डालते रहो तेल के अंदर, इस तरह से, इस तरह से तेल के अंदर डालते रहो, और बनने में बहुत अच्छा बनेगा दोस्तों। देखो अभी देखो मैं डायरेक्ट ही दिखा रहा हूँ, इसमें वीडियो ज़्यादा एडिटिंग नहीं किया है। इस तरह से आप देखो पूरा एक इधर उधर डाल दिया तेल के अंदर, इधर ये मिक्स कर देने का, और थोड़ा टाइम में उसको रुकने का, देखो कम से कम 10-20 सेकंड रहा होगा, उसके बाद आप पलटी कर लिए, क्योंकि पलटी करने के बाद ही आपको मसाला अच्छी तरह से पकड़ेगा। वो एक साइड पकड़ लिया तो दूसरा साइड भी पकड़ना मांगते, इस तरह से आपका बराबर से अच्छे तरह से हो जाएगा, और देखो पग अच्छे से फ्राई हो जाएगा। देखो इस तरह से आप ऑयल में बना सकते हो दोस्तों। देखो फिर से आपको इस तरह से बन गया दोस्तों। देखो खाने में आपको बहुत अच्छा मज़ा आने वाला है दोस्तों, बस बनाइए एक बार आप घर पे फैमिली के साथ में इस तरह से। तो ऐसे आपको दिखाते हैं किस तरह से पूरा, इस तरह से पूरा बन के हमारा रेडी हो गया। अभी देखो दो तीन पीस और है, ये बस और ज़्यादा नहीं है, ये तीन पीस और बचा है, ये बस देखो इस तरह से अभी मेरा सब बन के हो गया दोस्तों। इस तरह से देखो बस बनाना ज़्यादा टाइम, अभी देखो पूरा मेरा बन के इस तरह से हो गया। हम लोग ज़्यादा फैमिली नहीं है तो इसलिए थोड़ा ही बना के आप दिखाया है, ज़्यादा बनाएगा तो वेस्ट होगा,
क्योंकि ये सब चीज़ें गरम में खाने में मज़ा आता है। देखो इस तरह से बना हुआ है और देखो कितना कितना सॉफ्ट है आलू एकदम। देखो कितना अच्छे से हो गया है, एकदम कितना अच्छे से बन गया दोस्तों। इस तरह से दोस्तों बनाओ आप घर पे, अच्छे से खाओ दोस्तों। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों तो सब्सक्राइब करो।